ओम शांति। 17 फरवरी 2024 की शिव बाबा की वाणी सुनते हैं, जिसमें आज विशेष तौर पर प्यारे बाबा हमें धीरज दिला रहे हैं, इस दुख की दुनिया से निकल सुख की दुनिया में जाने तक का और अनादि अविनाशी ड्रामा की विचित्रता समझा रहे हैं। पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते, पवित्रता का महत्व समझा रहे हैं और सर्व उलझनों से मुक्त होने का वंडरफुल फॉर्मूला सुनाया है। तो चलिए स्मरण करें उस पतित पावन दया सिंधु ज्ञान सागर का, जो जगमगाते हैं मूल वतन परम धाम में। ज्ञान सिंधु अवतरित हो रहे हैं आबू की भूमि पर, ब्रह्मा के मस्तक पर, और उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण होती है। मीठे बच्चे पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है, ये है प्यूरिफिकेशन का फॉर्मूला। या याद का बल यूज करो, सर्वशक्तिमान बाबा का करंट अंदर समाओ और उससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ती है। तो हमें याद के बल के लिए इच्छाएं मिल रही हैं, जिससे हम पावन बन सजाओं से छूट जाएं। फिर आज बाबा रूहानी सर्जन बन हमें एक धीरज दे रहे हैं कि अभी तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ये रूहानी सर्जन धीरज देते हुए कहते हैं, बच्चे तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं, सर्जन दवा देते हैं तो बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वो भी आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। जैसे वो दवाई वैद्य की खाओ तो एक बार, कभी बुखार कभी डायरिया बढ़ जाता है फिर ठीक हो जाता है, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें ये ज्ञान योग की दवाई देता हूँ। एक बार लगेगा कि विकार जोर पकड़ रहे हैं, उल्टे सीधे ख्यालात भी आने लगेंगे, लेकिन इसमें धीरज धरना है, ये जाने के लिए आ रहे हैं। याद रखना है, बस हमारे सुख के दिन आए कि आए। फिर रहम दिल बाबा रहम करते हुए कह रहे हैं, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, आत्मा रूपी सीता, आत्मा रूपी भक्ति, यानी परमात्मा से जुड़ी हुई भक्ति मार्ग में तुमने मेरी बहुत अव्यभिचारी पूजा की है। एक टिक, तब तुम दुखी नहीं थे, अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। व्यभिचारी भक्ति होती अनेकों की भक्ति, इसकी भी उसकी भी। डिवोशन अपने इष्ट की तरफ कम, मुरादों की तरफ ज्यादा है, तो उसने तुम्हें दुखी कर दिया है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, तुम आत्मा सीता और मैं राम भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ, सिर्फ कहता हूँ, और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो, बाकी किसको भी याद नहीं करो, नष्टो मोहा बनो,
अगर योग का बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएगा। मुख्य है ही याद की यात्रा। तुमने शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और अब जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। जो निश्चय बुद्धि होंगे वही रावण पर विजय पाकर राम राज में आएंगे। याद रखना है मैं आत्मा सीता हूँ, मेरा राम आया है रावण से छुड़ाने के लिए और मुझे एक संग जोड़कर नष्ट हो मोहा बनकर योग बल के द्वारा रावण से छुटकारा पाना ही है, राम राज में जाना ही है। फिर बाबा हमें पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हुए कह रहे हैं, बच्चे ये पुरानी बहुत छी छी दुनिया है, ये है ही दुख धाम। अब बाप धैर्य देकर कहते हैं, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का इस छी छी दुनिया से लंगर उठ गया है, इसमें तुम बाकी थोड़ा रोज़ो, फिर नई दुनिया में जाएंगे, इसलिए थोड़ी मेहनत करो, जहाँ जा रहे हो उस घर को याद करो। जो 2500 वर्ष में दो युगों में पाप हुए हैं वे अभी योग बल से भस्म कर तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो, फिर वहां तुमको अपार सुख होंगे, कोई भी रोग आदि नहीं सताएंगे। ये वैराग हमारा यही हमारा धीरज बन जाएगा और इसी से ही हम ये सारा कलयुगी वातावरण क्रॉस कर पाएंगे और चलेंगे सतो प्रधान बनकर अपने नव युग की ओर। फिर बाबा इस अनादि अविनाशी ड्रामा की विचित्रता समझा रहे हैं, ये ड्रामा अविनाशी है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा ये भी नहीं कह सकते, ये अनादि खेल है। इसमें अविनाशी आत्मा में भी अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है, अब तुम जानते हो। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का रास समझाते हैं कि पहले पहले जब हम सुख धाम में हैं उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग है तो थोड़ी आत्माएं नीचे आई है, बाकी अभी ऊपर है। स्वर्ग में विकर्मा जीत संवत होता है, यानी कोई भी कर्म नहीं करता, वहाँ सुख शांति पवित्रता सब कुछ है, क्योंकि एक ही धर्म है, वहाँ सभी अपार सुख भोगते हैं। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है, यानी पांच विकारों रूपी रावण सबको पतित दुखी बनाता है, इसलिए हम फिर से बाबा को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। अब हम पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। बाप ने आकर कहा है, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट जंक उतर जाएगी, तुम फिर से विकर्माजीत बन जाएंगे, ऐसे ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, जिसका स्मरण करके हमें हर्षित होते रहना है। फिर बाबा पवित्रता का महत्व समझा रहे हैं कि बच्चे इस अंतिम जन्म में काम विकार को जीतो, इसने ही तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है, तो अब पवित्र बनना है। इसलिए कहावत है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, ये ज्ञान योग अमृत है और काम विकार विष समान है। वास्तव में दूसरे कोई स्थूल अमृत की बात नहीं है, ज्ञान अमृत है।
जिससे तुम काम विकार पर जीत पाकर हीरे जैसा बनते हो, जगत जीत बनते हो। तो हमें अपने आप को ये होमवर्क अवश्य देना है कि मेरे अंदर कोई विकार का अंश मात्र भी न रहे। फिर बाबा हमें अन्य विकारों के प्रति भी सजग करते हुए गुण धारण की ओर ले चल रहे हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, आगे जो कभी विकल्प नहीं आए अब मालूम नहीं क्यों सताते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। तुम धैर्य रख, मुझे याद करते रहो और सृष्टि चक्र को फिराओ, मैं तुमको शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए आया हूँ। इसलिए जो गुण देवताओं में हैं ऐसे गुण धारण करो। अगर याद नहीं करेंगे तो कोई ना कोई विकर्म करते रहेंगे, फिर पाप आत्मा बन मेरी निंदा कराएंगे। समझो कोई में विकार की आदत है, कोई में क्रोध की आदत है, कोई में तंग करने की आदत है, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। तो मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत दे जो ये आसुरी चलन ना दिखाए। इसलिए बाप समझाते हैं अब कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, उनको भी कहा जाता है कि एक शिव बाबा की याद में रहो तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। ये शिक्षाएं हैं सारे विकारों को जीतकर गुणों को धारण करने के लिए। बाकी बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया ईविल है, सब एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं, क्योंकि सब में पांच विकारों रूपी भूत हैं। यहाँ आत्मा एक दो को शरीर द्वारा भी दुख देती है और शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। परंतु तुम बच्चों को उनका कुछ ख्याल नहीं करना है। तुम जितना बाप को याद करेंगे ये सब खत्म होते जाएंगे। ये भी पिछाड़ी का हिसाब किताब है, क्योंकि सब ने वापस घर जाना है। तो खुशी खुशी हम योग बल के द्वारा और इग्नोर करने के द्वारा इस हिसाब किताब को चुकतु करते जाएं। और अब हम लेंगे बाबा से वरदान। परदाता बाबा मेरे सन्मुख है, वो प्यार का सागर है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्तियां वरदान रूप में दे देते हैं। आज बाबा का वरदान मिल रहा है, बच्चे बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरा पन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने में गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। उलझाता है मेरापन, इसी से सारे फेरे आते हैं, इसी को गृहस्थीपन कहेंगे।
गृहस्थीपन से निकल ट्रस्टीपन में आ जाना है, यानी मेरा कुछ नहीं, ना मेरा नाम ना मेरी गलानी, इन उलझनों से बाहर निकल सोचना है सब बाबा का है। मैं ट्रस्टी हूँ तो ट्रस्टी सोचते सब उलझनों से मुक्त होते जाएं। स्लोगन, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ, क्योंकि हमारा बाबा बहुत बड़ा है। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि हमें अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण कर बाबा का नाम रोशन करना है और काम विकार पर संपूर्ण विजय पाकर जगत जीत बनना है। एकांत में बैठ हम आज चेकिंग करेंगे, कहीं मेरी बुद्धि भारी होती है, कंफ्यूज होती है, तो उसके पीछे मेरेपन को चेक करेंगे और चेंज करेंगे। और याद रखना, बड़े बाप का मैं बड़ा बच्चा, मेरी बड़ी दिल है, मैं एक रस आत्मा हूँ, एक से सर्व रस लेकर अंदर सुख और आनंद को बढ़ाते जाएं। ओम शांति।